सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं स्टमक के बारे में। स्टमक का एक दूसरा नाम होता है जिसको बोला जाता है गेस्टर। गेस्टर बोल लीजिए या स्टमक बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेसन नंबर 6 है ये। ओके, अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बात करने वाले हैं स्टमक। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको चैनल पे और देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो स्टमक होता है ना, स्टमक की यदि आपसे शेप पूछ ली जाए कि स्टमक की शेप कैसी होती है, तो स्टमक कैसा होता है? जे आकार का होता है। कैसा होता है स्टमक? जे शेप होती है। अब आप कहोगे स्टमक को देखे कि ये तो जे लग ही नहीं रहा। तो देखिए, जो जे किस तरह की जे तो ऐसे होता है, लेकिन ये तो ऐसे लग रहा ही नहीं है, लेकिन ये कौन से जे वाला है? इस जे के आकार की इसकी होती है। ओके, जो इंग्लिश में जो थर्ड एबीसीडी होता है उसके अनुसार। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की, कि आखिरकार स्टमक प्रेजेंट कहां पे होता है। तो स्टमक क्या होता है अपना, कहां? एब्डोमन, जो अपर एब्डोमन होता है, इसकी जो लेफ्ट साइड होती है, क्या है यहां पे? लेफ्ट साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपके बॉडी में? जो स्टमक होता है वो प्रेजेंट रहता है, वो डायफ्राम के जस्ट नीचे की ओर। ओके, अब इसके पार्ट्स की बात करें कि स्टमक का थोड़ा सा अपन डायग्राम देख लेते हैं कि आखिरकार स्टमक क्या है। तो स्टमक होता है, इसके टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कई बुक्स में आपको 3 भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब ज्यादातर 4 पार्ट आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने पार्ट होते हैं स्टमक के? टोटल 4 पार्ट होते हैं। अब 4 पार्ट कौन कौन से आ जाते हैं? पहला पार्ट तो इसका आ जाता है कार्डिक, फिर फंडिस, फिर बॉडी एंड फिर पाइलोरिक, या जिसको पाइलोरिस बोलते हैं। तो देखिए, ये आपका स्टमक है जो कहां पे प्रेजेंट होता है? आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। तो देखिए, ऊपर वाली जो पाइप आ रही है, इस पाइप को बोला जाता है इसोफेगस। इसोफेगस क्या होते हैं? अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने बात कर ली थी। तो जो इसोफेगस है ना, अब इसोफेगस का जो ऊपरी पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है? गैलेट। मतलब गैलेट क्या है? ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट रहता है? स्टमक स्टार्ट हो जाता है। स्टमक का पहला पार्ट आ जाता है कार्डिक, सेकंड पार्ट आ जाता है फंडस, और थर्ड नंबर का पार्ट आ जाता है बॉडी, एंड फोर्थ नंबर का पार्ट आ जाता है आपका पाइलोरस, या जिसको पाइलोरिक भी बोला जाता है। अब देखिए क्या होता है, जो इसोफेगस है एंड जो कार्डिक पार्ट है, मतलब स्टमक का फर्स्ट पार्ट है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक वॉल प्रेजेंट होता है, एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं कार्डिया स्पिंचर, जिसको क्या बोला जाता है? कार्डिया स्पिंचर। तो ये कार्डिया स्पिंचर का काम क्या रहता है कि फूड जो इसोफेगस से किसके अंदर आ रहा है? स्टमक के अंदर आ रहा है, तो वापस स्टमक से क्या हो, वापस इसोफेगस में फूड ना जा सके, इसलिए यहां पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है कार्डिया स्पिंचर। दैट्स क्लियर। ओके, फिर सेकंड नंबर का पार्ट आता है फंडस। फंडस के अंदर क्या हो रहता है? आपकी जो गैस वगैरह प्रेजेंट रहती है ना, देखिए फूड क्या आएगा यहां से? आएगा बोलस। क्या आएगा? बोलस आएगा। अब बोलस क्या होता है आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। तो बोलस किसको बोला जाता है ये आपको बताना है। तो बोलस क्या होता है? इसोफेगस से कहां आएगा? स्टमक के अंदर आएगा पेरेल्टाइसिस के थ्रू। और सबसे पहले स्टमक के कौन से रीजन में आता है पूछ लीजिए, तो सबसे पहले कौन से रीजन में आता है? कार्डिक रीजन में आता है, कार्डिया रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन बॉडी की। तो जो बॉडी रहती है, फिर क्या होगा यहां पे? फूड क्या रहता है 4-5 घंटे तक क्या रहता है? पड़े रहता है। और यहां पे फिर क्या होता है? उसका डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट रहती है। तो देखिए फूड क्या होगा इसके अंदर से, साथ में फूड के अंदर अब ये जो बोलस है इसके अंदर साथ में मिक्स क्या रहेगा आपका? स्लाइवरी ग्लैंड्स, मतलब जो स्लाइवरी एमाइलेज है वो भी क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। तो क्या होगा, जैसे ही स्टमक के अंदर वो बोलस आता है, तो उसके अंदर क्या होता है? जो HCl होता है, उस HCl को धीरे धीरे वो सिक्रेट होता है, उसको प्रोसेस होने में लगभग 1 घंटे तक रहता है। तो 1 घंटे तक क्या होता है? एमाइलेज वगैरह, एंजाइम और टाइलिन वगैरह लार के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी उस टाइम तक एक्टिव रहते हैं। फिर वो HCl आके धीरे-धीरे उनको क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। फिर यहां पे डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। बॉडी के जस्ट आगे वाला पार्ट होता है पाइलोरस, क्या जिसको बोला जाता है पाइलोरिक। अब क्या होता है पाइलोरस के, आपको क्या है 2 पार्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक एंट्रियम, उसको क्या बोला जाएंगे? पाइलोरिक एंट्रियम, मतलब पाइलोरिक नाम से देख ली, एंट्रियम मतलब इंटर हो रहा है। पाइलोरिक के अंदर क्या होगा? भोजन इंटर होगा। और जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक, क्या बोलेंगे? केनाल बोलेंगे, क्योंकि देखने में क्या है? केनाल के जैसा दिख रहा है, ट्यूब के जैसा ये दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? पाइलोरिक केनाल बोला जाता है। अब ये जो पाइलोरस वाला स्टार्ट है, अब ये वाला जो भाग है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका डडनम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, जो डडनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डडनम वाला पार्ट है एंड स्टमक का जो लास्ट पार्ट है पाइलोरिक, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक वॉल प्रेजेंट रहता है, एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? पाइलोरिक स्पिंचर बोला जाता है। दैट्स क्लियर। ओके, और जो स्टमक रहता है इसके चारों ओर क्या रहती है? एक वॉल प्रेजेंट रहती है इसको बचाने के लिए। तो इस साइड वाली वॉल को तो बोला जाता है ग्रेटर ओमेंटम, और इसको बोला जाता है लेसर ओमेंटम। दैट्स क्लियर। ये तो अपन ने देख ली किसकी? पाइलोरस की स्ट्रक्चर की, आखिर स्टमक की स्ट्रक्चर की, आखिरकार स्टमक कैसा होता है। अब देखिए
ये जो स्टमक है इसके अंदर आप रेड रेड कलर की ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये क्या रहती है, पूरे स्टमक के अंदर क्या रहती है, रेड रेड कलर वाली स्ट्रक्चर पूरे स्टमक के अंदर कवर रहती है। अब ये आखिरकार है क्या, तो अपन ने क्या किया, इतना सा एक पार्ट लिया और इसको देखते हैं। इसको अपन ने क्या किया, जूम किया, तो कुछ देखने में ये वाली स्ट्रक्चर कैसी दिखी अपन को, इस तरह की दिखी। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को साइंस की भाषा के अंदर, साइंस की लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक रुगे बोला जाता है। गैस्ट्रिक रुगे क्या होता है, देखिए ये क्या है, प्लेन एकदम टी सेट है। अब इसके अंदर आप देखिए ये क्या होगा, धीरे धीरे जिसको ये क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है, धीरे धीरे फोल्डिंग, जिसको अपन बोलते हैं धीरे धीरे, ये क्या हो गई, अब सलवटें आ गई। अब ये जो सलवटें हैं इनको तो अपन क्या बोलेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, कि ये तो फोल्ड हो गई, सलवटें आ गए, तो इसी सलवटे को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, रुगे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रुगे। अब स्टमक की है इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, गैस्ट्रिक रुगे बोल दिया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो फोल्डिंग वाला पार्ट है, ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट है इसी पार्ट को रुगे बोलते हैं, और स्टमक का है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रिक रुगे बोल देते हैं। तो जो गैस्ट्रिक रुगे होते हैं ना, ये क्या है, एक इनरेगुलर फोल्ड है, देखने से ही पता चल रहा है क्या है, एक इनरेगुलर ये फोल्ड रहता है। अब बात आ जाता है कि जो किसका है, म्यूकोसा का फोल्ड होता है, किसका बना होता है, म्यूकोसा का बना होता है। बात आ जाता है कि इसका काम क्या रहता है, आखिरकार गैस्ट्रिक रुगे का काम क्या है, तो सीधी सी बात है, एक तो म्यूकस का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, साथ में क्या होता है, अब देखिए अभी तो आपको क्या दिख रहा है, स्टमक जे साइज का दिख रहा है, जैसे ही इसके अंदर फूड आ जाता है, अब अपन भर भर के क्या कर लेंगे, खा लेंगे, तो जरूरी थोड़ी ना कि जे के सेफ की रहेगा, नहीं, अब किसी चीज में वजन करेगा तो क्या होगा, इसकी साइज क्या हो जाती है, इनरेगुलर हो जाती है। मतलब चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड चीज हो, जो फूड पार्टिकल होंगे वो जैसे ही इसमें आएगा तो इसका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन का काम किसका रहता है, आपके ये जो फोल्डिंग प्रेजेंट रहती है ना, जैसे ही फोल्डिंग अपन खा लेंगे तो ये फोल्डिंग क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, कई जगह तो आपको इस तरह से दिखेगी, कई जगह एकदम नॉर्मल हो जाएगी, इस तरह से क्या होगी, फोल्डिंग ओपन हो जाएगी। तो गैस्ट्रिक रुगे का काम यही होता है कि जब अपन कोई भी चीज खा लेते हैं तो उसको क्या होता है, खा लिया, पी लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसको एक्सटेंशन, मतलब स्टमक को एक्सटेंशन करने का काम किसका रहता है, आपके गैस्ट्रिक रुगे का रहता है। तो चलिए गैस्ट्रिक रुगे की ये इतनी सी स्ट्रक्चर ली, इसको जूम आउट किया, जूम इन किया अपन ने, कि देखते हैं कि भाई इसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो इसको देखा तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर, यहां से क्या होता है आपका, क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा, वो सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक पिथ, और आके क्या हो जाता है, वो यहां पे इकट्ठा रहता है, क्या, गैस्ट्रिक पिथ। अब देखिए आप इसके अंदर ये जो रेड कलर वाली चीजें देख रहे हैं, जो बेस, दो पार्ट रहेंगे इसका, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे अपेक्स, नीचे वाले पार्ट को बोल देंगे बेस। अब ये जो बेस वाला पार्ट है, इसके ऊपर क्या रहती है, कुछ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट रहती है, इनको बाद में बात करेंगे कि एंडोक्राइन सेल्स का रोल क्या रहता है। फिर क्या रहती है, यहाँ पे जो ब्लू कलर की देख रहे हैं, ये क्या है, आपकी जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल एंड चीप सेल, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन जो ब्लू वाली को जाइमोजन, पेप्टिक या चीप सेल, इनको बोला जाता है। साथ में आप क्या देख रहे हैं, आप ब्लैक वाली जो सेल देख रहे हैं, इनको बोला जाता है पार्टियल या ऑक्सेंटिक सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पार्टियल या ऑक्सेंटिक सेल बोला जाता है। और जो अपेक्स साइड में प्रेजेंट रहती है, इनको बोला जाता है गोबलेट, गोबलेट सेल या नेक सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गोबलेट सेल या नेक सेल। अब देखते हैं इनका क्या क्या फंक्शन रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गोबलेट सेल की, नेक से स्टार्ट करते हैं कि गोबलेट सेल का काम क्या रहता है। तो देखिए देखने में ही गोबलेट सेल होगी, ये आपको कैसी देखने को मिलेगी, कप लाइक देखने, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कप के जैसी क्या होगी इनकी स्ट्रक्चर रहेगी। और इनका अराइज पूछे कि इनका ओरिजिन किससे हुआ है, तो गोबलेट सेल का ओरिजिन होता है जो आपकी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल रहती है ना। अब स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल के ऊपर अपन पढ़ चुके हैं। तो स्टेम सेल के अंदर जो प्लूरिपोटेंट होती है उनसे क्या होता है, जो गोबलेट सेल होती है ये अराइज होती है। अब गोबलेट सेल का फंक्शन क्या रहता है, इसकी बात करें तो गोबलेट सेल्स क्या करती है, जो म्यूकस रहती है, कप्लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का, म्यूकस का क्या करती है, सिक्रेशन करती है म्यूसिन, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, स्टमक की जो आउटर लेयर है, इस लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का, स्टमक की जो आउटर लेयर है, HCl वगैरह, एसिड वगैरह रहेगा स्टमक के अंदर, तो इसको क्या करता है, गोबलेट सेल से क्या होगा, म्यूकस सिक्रेट होगा, जो क्या करेगा, स्टमक को HCl से बचाने का काम करता है। तो म्यूकस किससे निकलता है, आपकी गोबलेट सेल से या नेक सेल जिसको बोलते हैं उससे निकलता है म्यूकस, जिसका काम क्या रहता है, म्यूकस का आप सबको बताया, स्टमक को क्या करता है, एसिडिक जो मीडियम रहता है उससे बचाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं जाइमोजन, पेप्टिक या चिप सेल, किसकी बात कर रहे हैं, जाइमोजन, पेप्टिक या चिप सेल की बात करें, तो ये प्रेजेंट कहां रहती है, पूछ लिया जाए कि जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल, चिप सेल प्रेजेंट कहां रहती है, तो ये क्या रहती है, जो
स्टमक है, इसका जो फंडिक पार्ट है, कौन सा फंडस वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या रहती है आपकी जाइमोजन सेल, चीप सेल क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो इनकी लोकेशन पूछ ली जाए कि जाइमोजन सेल, पेक्टिक सेल एंड चीप सेल की लोकेशन क्या रहती है, आपका फंडिक वाला रीजन रहती है। ये सिक्रेशन क्या करती है, ये सिक्रेशन करती है इनएक्टिव एंजाइम हो गए, प्रो एंजाइम हो गए एंड जो जाइमोजन हो गए, इनका क्या करता है, सिक्रेशन किया जाता है। तो जो पेप्टिक सेल होगी, चीप सेल होगी या जाइमोजन सेल है, इनके द्वारा क्या चीज सिक्रेट की, तो इनके द्वारा हमेशा इनएक्टिव एंजाइम क्या किया जाएगा, सिक्रेशन किया जाएगा। यदि मान लीजिए ये एक्टिव एंजाइम सिक्रेशन करती तो ये क्या करते हैं कि खुद की ही सेल का क्या कर देते हैं, डिग्रेडेशन कर देते। इसलिए क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, ये आपके निकलते हैं। इनएक्टिव रूप में ये फॉर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम की बात करें तो आपका पेप्सिनोजन आ गया, प्रोरेनिन आ गया एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज एकदम शॉर्ट अमाउंट के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है। तो इनएक्टिव के अंदर कौन कौन से आ गए, पेप्सिनोजन आ गया, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। अब बात आ जाती है कि इनको एक्टिव कौन करता है, तो इनको एक्टिव करने का काम किसका रहता है, आपके HCL का रहता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे कि HCL का भी क्या इसके अंदर रोल रहता है, एंजाइम वगैरह कैसे एक्टिव होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल की। तो ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल होती है, पेराइटल सेल होती है, इनका क्या काम रहता है, तो देखिए ये प्रेजेंट कहां रहती है, सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये आपका जो फंडस वाला पार्ट है एंड स्टमक के अंदर जो बॉडी वाला पार्ट है, यहां पर क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। तो कहां पे प्रेजेंट रहती है, फाउंड इन, कहां देखने को मिलती है, इनर लाइनिंग किसके, स्टमक की इनर लाइनिंग की, जो फंडस वाला रीजन है एंड जो बॉडी वाला रीजन है, जो फंडस वाला रीजन है एंड बॉडी वाला रीजन है, यहां पर आपको क्या होगा, जो आपकी ऑक्सेंटिक सेल है ये देखने को मिल जाएगी। ओके, अब इनके द्वारा क्या सिक्रेट किया जाता है, तो इनके द्वारा HCL सिक्रेट किया जाता है, साथ में क्या किया जाता है, CIF का सिक्रेशन होता है, मतलब क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का इनके द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। दैट्स क्लियर। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कि HCL है, इस HCL की जो pH रहती है वो रहती है 1.8 से लेके 3.0 तक। तो इसकी आपसे pH पूछ लीजिए कि HCL की pH कितनी होती है, तो 1.8 से लेके क्या होती है, 3.0 तक इसकी pH होती है। एंड जो क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसका काम क्या रहता है, तो देखिए कि जो क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्या करता है, आपका जो विटामिन B12 रहता है ना, इसका एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहां होता है, आपकी CIF सेल, जो क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है, यहां पे आपका क्या होता है, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है। मान लीजिए विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन यहां नहीं होता है तो आपको क्या रीजन देखने को मिलेगा, तो यहां इनका काम रहता है विटामिन B12 का, कि ये हेल्प करेगी RBC की मैच्योरेशन में। यदि यहां विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आपके क्या होगा, RBC का मैच्योरेशन नहीं होगा, मतलब RBC बनेंगे नहीं, RBC नहीं बनेगी तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज पूछी जाती है कि विटामिन B12 जो है इसका अब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो इसका अब्जॉर्प्शन कौन करता है, कहां होता है, स्टमक के अंदर होता है, और स्टमक के अंदर जो ऑक्सेंटिंग या जो पेरेंटल सेल है, इसका जो क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन किया जाता है। That's clear. HCL के फंक्शन के बारे में पूछ लीजिए कि HCL का फंक्शन क्या होता है, इसकी pH याद रखना है, इसकी pH होती है 1.8 से लेके 3.0 तक। फंक्शन पूछ लीजिए कि HCL का क्या फंक्शन है, तो ये क्या करती है, इनएक्टिव करती है किसको, टाइलिन जो एंजाइम होता है, जो स्लाइवरी एमाइलेज वगैरह है, इनको क्या करती है, इनका फंक्शन रहता है HCL का, ये सबसे पहले इनएक्टिव करती है, क्योंकि बोलस है, बोलस के थ्रू क्या होगा आपका जो टाइलिन है, क्योंकि लार अपन भोजन चबा रहे हैं तो क्या होगी, खा रहे हैं, तो उसके अंदर लार मिक्स होगी और आके कहाँ हो जाएगा, बॉडी वाले पार्ट में जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, जो फूड रहेगा वो 2-3 घंटे तक पड़ा रहेगा, घंटे भर बाद में क्या होगा, HCL की मात्रा क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी, और HCL की मात्रा जैसे इंक्रीज होगी तो सबसे पहले क्या करेगा, वो इनएक्टिव कर देगा आपके टाइलिन एंजाइम को। इसके अलावा ये एक्टिव करता है जो प्रो एंजाइम थे, अपन ने बात की थी यहाँ पे प्रो एंजाइम्स की, इन प्रो एंजाइम्स को क्या करता है, अब इनको बोलेगा चलो चलो जल्दी से काम लग जाओ, अपने पास ना काम आ गया, तो इनको जगाने का काम कौन करता है, आपका HCL करता है। तो प्रो एंजाइम को जगाने का काम कौन कर रहा है, आपका HCL के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद में ये क्या करता है, जो भी फूड के अपन खा रहे हैं उसके अंदर मान लीजिए कोई भी माइक्रोब्स है, उनको किल करने का काम भी कौन करता है, उनको मारने का काम भी कौन करता है, आपका HCL करता है। साथ में क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, तो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है, आपके HCL का होता है। साथ में क्या करता है, फूड को सॉफ्टनेस कौन करता है, फूड को सॉफ्ट करने का काम भी किसका रहता है, आपके HCL का रहता है। दैट्स क्लियर। ओके, लास्ट अपन बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपन और भी चीजें देखेंगे
कि जो एंडोक्राइन सेल्स है, एंडोक्राइन सेल की बात करें तो एंडोक्राइन सेल के द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा कुछ हार्मोन, क्योंकि एंडोक्राइन सेल्स नाम से पता चल रहा है क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन सिक्रेट करेंगे। कौन सा हार्मोन, हार्मोन की बात करें तो गेस्ट्रिन हार्मोन, जो जी सेल के द्वारा निकाला जाता है। गेस्ट्रिन हार्मोन की बात करें तो ये गेस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्यों करता है, ताकि वो क्या कर सके, गैस्ट्रिक जूस का क्या कर सके, सिक्रेशन कर सके। तो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है वो पूछा जाए तो गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दैट्स क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि जो गैस्ट्रिक जूस है इसका सिक्रेशन कहां से होता है, तो इसका सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है, तो इसको स्टिमुलेट करता है आपका गैस्ट्रिन हार्मोन। दैट्स क्लियर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आपको फिर इसके बाद में बताऊंगा कि इसके जो एंजाइम्स हैं, ये जो जो अपन एंजाइम पढ़े हैं, प्रो एंजाइम हुआ, गोब्लेट सेल द्वारा जो एंजाइम निकल रहे हैं, म्यूकस वगैरह निकल रहे हैं, इन सब का क्या फंक्शन रहता है इसके बारे में बात करेंगे, ये एक्टिवेट कैसे होते हैं और स्टमक के अंदर क्या काम होता है। स्किन शॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। स्किन शॉट के ले तो आप ले सकते हो, नहीं तो आपको क्या है कि टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड इसके क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं, कि एंकी गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं एंड साथ में इसके फंक्शन क्या रहते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि जो बोलस होता है, बोलस किसको बोला जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। बोलस एंड जो साथ में गैस्ट्रिक जूस है, ये दोनों मतलब ये बोलस के एक तरह से फूड है। फूड के साथ में क्या होगा, जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा उसको क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। और बोलस किसको बोला जाता है, फूड के साथ में ऐसी क्या चीज मिलेगी तो अपन उसको फूड नहीं बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि वो चीज का क्या नाम होगा जिसके कारण अपन इसको फूड को बोलस बोलेंगे। तो यहां बोलस और जो गैस्ट्रिक जूस है ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे उसको क्या बोला जाता है, चाइम बोला जाता है, काइम बोला जाता है। ओके, अब अपन इसके थोड़े से देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस आखिरकार कौन कौन से है उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, ये जो काइम रहता है ना, ये जो कायम रहता है इसके अंदर क्या रहता है, अपन ने HCl के बारे में पढ़ा था। तो HCl क्या करता है कि जो, क्योंकि ये जो कायम है इसके अंदर क्या है, बोलस है, तो बोलस के अंदर क्या, तो क्या होगा, काइम के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, थोड़ा बहुत तो उस फूड के अंदर, जो फूड है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेट हुए टाइलिन वगैरह है वो प्रेजेंट हो गए, तो उनको इनएक्टिव करना पड़ता है। तो जो अपनी ये वाली जो सेल्स थी यहां पे, ये जो जो गैस्ट्रिक पिट था ये प्रेजेंट रहेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इनसे HCl निकलेगा। फूड आ चुका है, यहां पे फूड आया हुआ है, धीरे धीरे HCl निकलेगा, तो 2-3 घंटे तक क्या रहेगा इसको, क्या जो टाइलिन होगा उसको क्या होगा, इनएक्टिव होने के अंदर टाइम लगेगा। और जैसे ही 2-3 घंटे बाद ये मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारा क्या आ गया, गैस्ट्रिक जूस आ गया, उसके बाद में जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो डाइजेशन की प्रोसेस जब फूड क्या होगा स्टमक में आता है, ऐसे नहीं है कि एकदम आराम से उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, आधे पौन घंटे के अंदर क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। ओके, अब अपन देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कीजिए, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि गैस्ट्रिक जूस आखिर के जो एंजाइम्स है कौन कौन से सिक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेप्सिन की। तो देखिए, पेप्सिन का क्या कार्यगा, अपन ने बात की थी कि जो पेप्सिनोजन होता है ना, क्योंकि देखिए पेप्सिनोजन जब अपन ने बात की थी कि जो अपनी क्या थी, जो जो अपनी जाइमोजन सेल थी, पेप्टिन सेल थी, चिप सेल थी, इनके द्वारा क्या किया जाता है, पेप्सिनोजन निकलता है, ये क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। तो पेप्सिनोजन के साथ में जब HCl मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो पेप्सिन का कन्वर्ट क्या होगा, ये क्या है, यहां पे पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, तो इसको एक्टिव करने का पेप्सिन को काम किसका रहता है, आपके HCl का रहता है। अभी पेप्सिन करता क्या है, तो पेप्सिन क्या करता है, फूड के अंदर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीएज एंड जो पेप्टोन है इसके अंदर तोड़ देता है। मतलब क्या होगा, प्रोटीन को किसके अंदर तोड़ देगा, प्रोटीएज एंड पेप्टोन के अंदर तोड़ने का काम किसका रहता है, आपके पेप्सिन का रहता है। दैट्स क्लियर। ओके, सेकंड आ जाता है अपना रेनिन। रेनिन का एक नाम और है जिसको बोला जाता है चाइमोसिन, जिसको क्या बोला जाता है, चाइमोसिन। अब देखिए रेनिन क्या करता है, अपन ने बात किया था यहीं से क्या होता है, आपका रेनिन भी सिक्रेशन होता है यहां से। ओके, अब ये जो रेनिन होगा ये क्या है, प्रोरेनिन के प्रेजेंट के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। अब ये जो प्रोरेनिन होगा, ये प्रोरेनिन को जैसे ही HCl मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो रेनिन होगा, जब रेनिन होगा अब ये क्या होगा, जो कैसिनोजन होगा। देखिए याद रखना, जब भी किसी वर्ड के आगे या तो क्या लग जाए, प्रो लग जाए या जन लग जाए, तो वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उनको अपन को एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ता है। तो यहां पे काम किसका है, HCl का काम है इनको एक्टिव करने का।
तो क्या होता है, जो अपन मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कैसिनोजन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या होता है, वाटर में सोलेबल रहता है। वाटर में क्या रहता है, ये सोलेबल रहता है। तो जैसे ही इसके साथ में रेनिन मिलता है, जैसे ही रेनिन एक्टिव हो जाता है, रेनिन होता है एंड जो कैसिनोजन है, ये दोनों के दोनों जब मिक्स होते हैं तो सीए प्लस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, कैल्शियम पैरा क्या हो जाता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है वाटर के अंदर, या अपन बोलेंगे ये क्या होता है, इनसोलेबल होता है। ये तो क्या है, इनसोलेबल, ये तो क्या होता है, इनसोलेबल होता है, और ये क्या होता है, ये आपका सोलेबल होता है। कैसिनोजन होगा, ये तो सोलेबल होता है, एंड ये क्या होता है, जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट है, ये क्या होता है, आपका इनसोलेबल होता है। दैट्स क्लियर। तो रेनिन का काम भी अपन ने देख लिया। अब अपन बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज का काम रहता है, जो भी अपनी जो फेट होती है, उस फेट को क्या करना, उस फेट का अपघटन करना, उस फेट का क्या करना, अपघटन करने का काम क्या होता है, हाइड्रोल, मतलब क्या होता है, जो आपका जो फेट रहता है, इसको क्या करता है, अपघटन करने का, लाइसिस करने का काम किसका रहता है, आपके गैस्ट्रिक लाइपेज का रहता है। अब देखिए, कंप्लीट जो फेट रहती है ना, उसका कभी भी अपघटन होगा वो आपका क्या होगा, स्टमक के अंदर नहीं होता है। कंप्लीट जो अपघटन होगा फेट का, वो स्टमक के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि स्टमक को क्या होता है, जो फेट रहती है, फेट को क्या होता है, अपघटन होने से पहले इसका इमल्सिफिकेशन होना जरूरी रहता है। क्या जरूरी रहता है, इसका इमल्सिफिकेशन होना। लेकिन जो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस रहती है ना, ये आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका जो डडनम वाला पार्ट रहता है, जब अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की में पढ़ेंगे, उस टाइम आपको बताऊंगा इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, गैस्ट्रिक लाइपेज रहता है, इसका काम रहता है क्या रहता है, फेट को अपघटन करने का। लेकिन कंप्लीट जो फेट रहती है ना, वो कभी भी स्टमक के अंदर उसका कंप्लीट अपघटन नहीं होता है। तो उसका कंप्लीट जो अपघटन होता है, वो कहां होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डडनम वाले पार्ट में, क्योंकि वहां पे सबसे पहले क्या किया जाता है, फेट का इमल्सिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद में फेट का अपघटन होता है। दैट्स क्लियर। तो ये काम किसका रहता है, फेट का अपघटन करने का, गैस्ट्रिक लाइपेज का। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोस का। गैस्ट्रिक म्यूकस, नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस, तो इसके द्वारा क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन किया जाएगा, जो क्या करेगा, आपको आपका जो स्टमक है, इसको क्या होगा, HCl से बचाने का काम करता है। दैट्स क्लियर। ओके, अपन ने बात कर ली गैस्ट्रिक जूस की एंड इसके फंक्शन क्या क्या थे। तो ये अपना स्टमक से रिलेटेड पार्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है, आप सबको पता है, नोट्स हैं वो कंप्लीट, जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सबके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज के साथ में। थैंक यू।